में कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी बैठक करेंगे। कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चीन में जिस तरीके से कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद क्या एहतियात हिंदुस्तान में भी बरतने की जरूरत है, इसको लेकर के अब हालात की समीक्षा की जाएगी। राज्यों को गाइडलाइंस भी पहले ही जारी कर की जा चुकी है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। अमित कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट को लेकर जुड़ गए हैं। बताएं अमित, क्योंकि बहुत जरूरी है, जिस तरह से दुनिया के अलग अलग देशों में मामले तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, खासतौर पर चीन में, उसके बाद भारत क्या एहतियात बरतेगा, इसको लेकर ये बड़ी बैठक आ रही है। जी हाँ, देखिए प्रधानमंत्री खुद हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं कि जो हालात है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और इसके अलावा उसको देखते हुए भारत में क्या तैयारी है, भारत में किस तरह की तैयारी होनी चाहिए और आगे हमको क्या क्या करना है, उनको लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो है वो जारी किया गया है। इसके अलावा सभी राज्यों को सुझाव दिए गए हैं, साथ ही साथ जो प्रिकॉशन हो सकता है एयरपोर्ट से लेकर तमाम जगह लिए जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री खुद एक बैठक लेने जा रहे हैं। दोपहर में वो बैठक होगी जिसमें तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उसमें मौजूद रहेंगे, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी के अलावा स्वास्थ्य मंत्री भी उसमें होंगे, ताकि जो पूरे देश भर में हालात है उसकी समीक्षा की जाएगी और जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी प्रधानमंत्री की तरफ से दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, अभी तो बहुत जरूरी है, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम जो बाकी मुल्क है वहां पर कोरोना के हालात बहुत ही ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में हिंदुस्तान में वैसी हालत दोबारा ना हो जैसी पहले हम दंश झेल चुके हैं, लिहाजा पहले से ही जरूरी कदम उठाने जरूरी, और इसीलिए केंद्र सरकार लगातार बैठके कर रही है और राज्य सरकारें भी आज कई अहम मीटिंग करने वाली, उत्तर प्रदेश की बात करें या दिल्ली की। जी जिस तरह से केंद्र सरकार इसको लेकर एक्टिव हुई है और बाकायदा स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको लेकर बैठक की, इसके अलावा स्वास्थ्य सचिव की तरफ से सभी राज्यों को प्रिकॉशन लेने को कहा गया है, और सबसे बड़ी बात की छुट्टी का मौका है, नए साल के जश्न का मौका है, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, करीब 2 साल से कोविड काल में लोग घर से बाहर निकले नहीं थे, तो ऐसे में बाजार से लेकर हिल स्टेशन तक तमाम जगहों पर भीड़ बढ़ी है, तो ये चिंता की बात है। ऐसे वक्त पर जब कोरोना के संक्रमण की संख्या बढ़ रही हो, बाजार से लेकर हिल स्टेशन में संख्या जिस तरह से पर्यटक बढ़ रहे हैं, तो ये भी एक चिंता है, और ये सब सारी चीजों को देखते हुए तमाम राज्य भी अपने प्रोटोकॉल्स को कुछ तय करेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से जो तैयारी हो सकती है तमाम अस्पताल को लेकर, तमाम हॉस्पिटल्स को के अलावा जो राज्यों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन है, उन तमाम चीजों को लेकर भी जरूरी है कि पहले से तैयारी की जाए, और यही तैयारी आपको याद हो जब कोविड का काल था तो भारत सरकार ने पहले से तैयारी की थी, तो जिस तरह का कि जान माल की नुकसान पूरे दुनिया में हुई, उस तरह से भारत में नहीं हुआ, उतना असर नहीं हो पाया जितना असर पूरी दुनिया में हुआ, क्योंकि मोदी सरकार ने इसकी तैयारी पहले से कर रखी थी। वैसा ही कुछ कदम उठाने की तैयारी में है मोदी सरकार। सही कह रहे हैं अमिताभ, और वैक्सीनेशन को लेकर के भी जो काम देश में किया गया उसके बाद पूरे विश्व में इसकी प्रशंसा हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।